नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला में टीम इंडिया फिलहाल 2-1 से आगे चल रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट 4 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन चौथे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को एक करारा झटका लगा है। करारा झटका ये कि भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चौथे टेस्ट से के शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम से अपना नाम वापस ले लिया है। जी हाँ, वह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे चौथे टेस्ट में। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट से पहले बुमराह के बारे में बताया उनके बीसीसीआई ने। जी हाँ, बीसीसीआई ने बुमराह के बारे में यहाँ पे एक बयान जारी किया है और उन्होंने ये बातें कही हैं। बीसीसीआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा है, जसप्रीत बुमराह ने व्यक्तिगत कारणों से चौथे टेस्ट से बाहर रहने का फैसला किया है। उन्होंने अनुरोध किया था बीसीसीआई से कि उन्हें चौथे टेस्ट से बाहर रखा जाए और इसे देखते हुए टीम ने इसका सम्मान किया और उन्हें रिलीज कर दिया गया है। चौथे टेस्ट में वह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे और वह चौथे टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। बीसीसीआई ने यह भी साफ किया कि फिलहाल जसप्रीत बुमराह के जगह पर किसी भी अन्य प्लेयर को भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो निश्चित ही दोस्तों, ये एक बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए कि जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे, वह चौथे टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रह सकेंगे। दोस्तों भाई, अगर बात करें अन्य गेंदबाजों की कि आखिर किस तरीके की स्थिति रहेगी भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह के बिना, तो आपको बता दूं कि बेहद ही कमाल की स्थिति कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि वहां पे आपको अक्षर पटेल और आर अश्विन ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा शानदार कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस किया है इन दोनों ही गेंदबाजों ने। तो ऐसे में आशा करते हैं कि जसप्रीत बुमराह की कमी भारतीय टीम को नहीं खले। बता दूं आपको कि जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शानदार गेंदबाजी करी है अब तक कहीं ना कहीं इस मुकाबले में, इस टेस्ट सीरीज़ में। लेकिन अगर बात करें इनके अलावे, तो बता दूं आपको कि अक्षर पटेल ने पिछले मुकाबले में शानदार 11 विकेट चटकाया था और आर अश्विन भी बेहद ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इन दोनों में मैन ऑफ द सीरीज का भी होर लगा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय टीम की गेंदबाजी को कहीं ना कहीं कमी नहीं खलेगी जसप्रीत बुमराह की, जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं आर अश्विन और अक्षर पटेल। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही आप अगर क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ, लव यू ऑल।